अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस्ट्राइटिस। स्टमक की सोजिश जो होती है, मैदा की जो सोजिश होती है उसे कहते हैं गैस्ट्राइटिस। आज जो है, सबसे पहले तो हम एक मेडिसिन है होम्योपैथी में, उसकी थोड़ी सी स्टडी करेंगे, देखेंगे कि क्या ये जो मेडिसिन है ये स्टमक के हवाले से कोई काम करती है या नहीं करती। आपको पता है कि हम जो है होम्योपैथी में जो भी मेडिसिन पेशेंट को देते हैं, मेडिसिन का जो इंतखाब करते हैं वो हम करते हैं सिम्टम की बेस के ऊपर, अलामात की बेस के ऊपर। जब हमें अलामात मिल जाती है तो उन अलामात की बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, केस टेकिंग करते हैं, और केस टेकिंग करके फिर हम मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं। और बाद औकात हम जो है केस टेकिंग करने के बाद रेफराइज करते हैं केस, फिर हम मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं। तो आज की जो हमारे पास मेडिसिन है, पहले मैं उसकी अलामत आपको बताऊंगा। एक समझ लें कि पेशेंट हमारे पास आया, उसने एक अलामत बताई कि डॉक्टर साहब मुझे मेरे पेट में, मेरे मैदा में जलन होती है, ये मुझे जलन बहुत ज्यादा महसूस होती है। ये पहली अलामत है जो उसने बताई। आपने दूसरा पूछा, ये कब होती है, किससे बढ़ती है, किससे कम होती है, कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, ये आपने सवाल किया। पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब जब मैं कोई गर्म चीज खाता हूं, गरम चीज पीता हूं, गरम चीज जिस्म पे लगाता हूं तो मुझे सुकून होता है। दूसरा उसने बताया कि डॉक्टर साहब ठंडी चीज खाता हूं पीता हूं, यहां तक कि जब मैं ठंडी हवा महसूस करता हूं कि ठंडी हवा आ रही है तो ठंडी हवा से भी मुझे तकलीफ होती है। ठंडा पानी जो है वहां से मैं गुजरता हूं तो भी मुझे तकलीफ होती है। यानी हर ठंडी चीज, वो खाने वाली हो, पीने वाली हो, पहनने वाली हो, जिस्म के ऊपर लगाने वाली हो, पेशेंट को तकलीफ देती है, इसकी तकलीफ में इजाफा करती है। अब ये तो चीज उसकी अलामत। पीछे बर्निंग है, जलनदार पेन है, आगे उसने ये बता दिया। इसमें हमें एक चीज जो है वो फील हो रही है कि सेंसेशन हमें नजर नहीं आ रहा। देखा जाए तो ये बर्निंग जो है पेन, जलनदार जो पेन है, ये भी एक फीलिंग ही है, एक एहसास है, लेकिन हम जो है इसको लेंगे पेन की एक कंडीशन होती है, एक किस्म होती है उसमें। लेकिन अब हमने तलाश करना है इस पेशेंट के अंदर सेंसेशन वो क्या है। पेशेंट जो है हमारे पास आया, कभी बैठता है, कभी उठता है, कभी चलता है, कभी बैठ जाता है, कभी इधर चलता है, कभी उधर चलता है, फिरता रहता है। यानी हम ये देख पा रहे हैं कि उसे थोड़ी सी बेचैनी है, बेकरारी है, उसे दिखने में ही लग रहा है कि बेचैनी बेकरारी है बहुत ज्यादा। अच्छा, ये जो हमारा एहसास वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हमने मजीद थोड़ा सा और पूछा पेशेंट से कि आप हमें ये बताएं आपकी प्यास कैसी है। उसने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे प्यास लगती है बहुत ज्यादा, मैं प्यास बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, लेकिन बदकिस्मती ये है मेरी कि मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं फिर छोड़ देता हूं, फिर मैं आधा घंटा नहीं गुजरता फिर मुझे प्यास लगती है बहुत ज्यादा, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं छोड़ देता हूं, ये मेरी जो कंडीशन है हर वक्त रहती है। अच्छा, इसके बाद और क्या होता है। बाज बात ये पेशेंट कहेगा कि मेरे जिस्म में कमजोरी होती है बहुत ज्यादा, जैसे मेरे जिस्म में जान है ही नहीं, वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, वाइटल फोर्स जो है बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। अब इसने कमजोरी भी बताई, बेचैनी भी बताई, प्यास भी बताई,
हार्ड टू एम्यूलेशन, कूल टू एग्रावेशन, ये भी उसने बता दिया, बर्निंग पेन भी बता दिया। अब इतने ज्यादा मसाइल होंगे तो क्या एक मेडिसिन है हमारे पास जो सिंगल हो, और सिंगल मेडिसिन जो है वो इन तमाम अमराज, तमाम अलामात को खत्म कर दे? जी दोस्तों बिल्कुल है, ये होम्योपैथी है, इसमें सब कुछ है, ये रूटीन की मेडिसिन है हमारी। मेडिसिन का नाम आर्सेनिकम एल्बम, नाम को याद रखें, आर्सेनिकम एल्बम जो है ये मेडिसिन है। आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाएंगे इस पेशेंट को तो इंशाल्लाह आपका जो भी मसला होगा, जो जो अभी मैंने बताया वो ठीक हो जाएगा। अब ये जो अलामत हैं, पेशेंट को स्टमक में गैस हो, स्टमक की सोजिश हो, एच पाइलोरी हो, कैंसर हो, जितने जितने बड़े अमराज आप ले सकते हैं वो ले लें। लेकिन अगर अलामत ये हैं तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाएं, आपको इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा, बहुत ज्यादा, आपकी सोच से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। आपने जो मेडिसिन की पोटेंसी इस्तेमाल करवानी है, अगर तो पेशेंट को मसला है पुराना तो कोशिश करें 30% दें, 30% में आर्सेनिकम एल्बम का इस्तेमाल करवाएं। अगर पेशेंट का मसला है ताज़ा तो आप 10C को हाई कर दें, यानी 1 mg कर दें, 10 mcm कर दें। इसी तरह अगर कोई बच्चा हो तो उसकी पोटेंसी भी हाई, अगर बूढ़ा हो तो उसकी पोटेंसी लो। इसी तरह जिसकी कुव्वत हयात, जिस्मानी ताकत जो है वो बरकरार है तो उसकी पोटेंसी हाई, जिसकी जिस्मानी ताकत कमज़ोर हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है तो उसकी पोटेंसी लो कर दें। ये था आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी आप में से किसी का कोई सवाल हो आर्सेनिकम एल्बम के हवाले से तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब आपको लाजमी दूंगा। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर हाफिज मुस्तनस DHMS के नाम पे हमारा चैनल है यूट्यूब पे, आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली जो वीडियो होगी वो सबसे पहले मिल सके, और कोशिश करें कि इसके साथ बेल आइकन का बटन होगा उसे लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशन होती है वो हर दफ़ा मिल सके। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।